बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान ख़ान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की वीडियो 10th एवेन्यू प्रोजेक्ट की अपडेट पे है। 10th एवेन्यू प्रोजेक्ट फंड्स ना मिलने की वजह से 10th एवेन्यू प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है। अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है आपको वीडियो में दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको मैप पर समझा देता हूँ कौन सा एरिया आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। ये H9 का एरिया है, ये H10 का एरिया है। इन दोनों के दरमियान से 10th एवेन्यू प्रोजेक्ट गुजर रहा है। ये I9 और ये I10 का एरिया है। I9 और I10 की सर्विस रोड को मिलाने के लिए ये एक लिंक रोड दिया गया है, जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। इस लिंक रोड से आगे ये जो एरिया है, ये आप वीडियो में देखेंगे, कोरंग रोड और पोठोहार रोड को मिलाने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है वो ट्रैफिक के लिए ओपन है, ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस कर रही है। सोनी रोड और वार्षिक रोड को मिलाने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है वो ट्रैफिक के लिए अभी नहीं खोला गया। ये वाला एरिया आप देखेंगे और अंडरपास का एरिया आप देखेंगे। उसके बाद आप ये वाला एरिया देखेंगे। नेक्स्ट एरिया जो आप देखेंगे, नाले पर जो ब्रिज बनाया जा रहा है, ये वाला एरिया आप देखेंगे। उसके बाद आपको IJP रोड पे ब्रिज के लिए जो कॉलम्स बनाए गए हैं इस साइड पे, ये वाला एरिया आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको वीडियो में दिखाते हैं। मेरा फेस IJP रोड की तरफ है। राइट पे I10, लेफ्ट पे I9 का एरिया है। ये रिटेनिंग वॉल के लिए एक्सीवेशन की गई है, जो कि फंड्स मिलने की मंतजर है। ये एक्सीवेशन भी रिटेनिंग वॉल के लिए की गई है। रिटेनिंग वॉल के साथ स्टोन मेसनरी वॉल का काम किया गया है।
सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये कोरंग रोड और पोठोहार रोड पे बनाया गया है, जो I-10 और I-9 को मिलाता है। यही ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोला गया है। कोरंग रोड और पोठोहार रोड पे बनाया जाने वाला ब्रिज जो ट्रैफिक के लिए खुला है। सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये सोनी रोड और वार्षिक रोड पे बनाया गया है। ये ब्रिज जो आपको नज़र आ रहा है I-10 और I-9 के दरमियान से गुजरने वाले नाले पे बनाया जा रहा है। ये कॉलम IJP रोड के साथ बनाए गए हैं, जो IJP का ट्रैफिक 10th एवेन्यू की तरफ लेके जाएंगे। 10th एवेन्यू की न्यू अपडेट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।